आप लोग कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते, नौकरी क्यों नहीं करते? आपको भी लगता होगा कि अच्छी से इज्जतदार एक नौकरी करें। हाँ, हमें मैं एक ग्रेजुएशन कंप्लीट है मेरी, मैं भी सरकार से ग्रेजुएशन कंप्लीट। हाँ, यही दरख्वास्त लगाती हूँ कि हमारे लिए हमें भी कुछ समझे, संस्था खोलनी चाहिए, डेवलपमेंट करना चाहिए। जो तो पढ़े लिखे हैं तो उनको पढ़े लिखे के हिसाब से काम देना। पढ़े लिखे हमने अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, तो हम अपनी समाज में आए, हम किनारों में आए, ठीक है? और किनारों का वरदान यही होता है कि हाँ, सब खुश रहें, मंगल रहें। तो एक बात बताइए आपके, अगर आपको नौकरी करने का मौका मिले तो आप करेंगे? हम लोगों के लिए करती है, लेकिन जो हमारे देश की जो जनता है ना, वो हम लोगों को समझती नहीं है। ये सिर्फ एक समझने वाली एक माँ होती है, बाकी तो सब फीलिंग के साथ खेलने वाले होते हैं। नमस्कार, मैं हैदर अली और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिससे सभी लोग जानना चाहते हैं, उसको सुनना चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं थर्ड जेंडर पर। हमारे समाज में मुख्यतः दो प्रकार के जेंडर होते हैं, मेल और फीमेल। इसके अलावा एक और जेंडर हम सुनते हैं, वो है थर्ड जेंडर, यानी किन्नर समाज। हम अक्सर देखते हैं किन्नर समाज को लेकर लोग नाखुश रहते हैं, दुखी रहते हैं, उनके जो व्यवहार है इनसे लोग नाखुश रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो किन्नर, ऐसे भी किन्नर हैं जो तरीके से बात करते हैं, समझदारी से बात करते हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल ये आता है कि किन्नर आखिर ये हैं कौन, ये किस तरह से बने, क्या ये खुद बने? इसका जवाब है, ये जिस तरह हम और आप ईश्वर की देन हैं, नेचुरल तरीके से होते हैं, लड़का हो लड़की हो ये सब हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक उसी तरह ये किन्नर होते हैं, ये भी नेचुरली होते हैं, ये खुद नहीं बनते। अब ऐसे में अक्सर हम सुनते रहते हैं कि किसी परिवार में कोई बच्चा जब हुआ, धीरे धीरे वो बड़ा हुआ तो माँ बाप को पता चला ये तो किन्नर है, तो उसे वो लोग या तो मार देते हैं या घर से बाहर निकाल देते हैं। ये भी लोग जिनसे अब मैं आज बात करने वाला हूँ, ये भी उसी तरह के लोग हैं। किसी को घर से बाहर निकाला गया है या कोई और किसी की कहानी है। इन्हें लेकर अक्सर ये सवाल होते हैं कि इनके हाथ पैर ठीक हैं, ये कुछ मेहनत क्यों नहीं करते, कुछ नौकरी क्यों नहीं करते? इसका भी हम इनसे जवाब पूछेंगे, इनसे ये सवाल करेंगे और जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तमाम ये सवाल हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली गेट की एक रेड लाइट पर, और यहाँ पर कुछ किन्नर लोग हैं। आप देखिए यहाँ पर रेड लाइट हो रही है, धीरे धीरे मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा वो उस तरफ दिखाएं। तो यहाँ पर मैं रुकूँगा और लोगों से बातचीत करूँगा, इन किन्नर लोगों से, कि वो मेरे सवालों का किस तरह से जवाब देते हैं। आइए चलते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम आकसा। तो इसी रेड लाइट पर रहते हो आप लोग? हाँ जी। तो कितने सालों से आप इसी रेड लाइट पर हो? हम 4 साल हो गए। तो एक बात बताइए, आप लोग कितने घंटे यहाँ पर रहते हैं इस रेड लाइट पर? वही 4 से 5 घंटे। 4 से 5 घंटे मतलब हो जाता है सही काम, मतलब खर्च चला है ज्यादा ही? हाँ, खर्चे लग तो हो जाते हैं, अपना दाल रोटी तो हो ही जाता है। दाल रोटी नहीं, कुछ ज्यादा ही होता होगा, जब से लॉकडाउन लगा है काम नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आप लोग मेहनत कर रहे हैं, धूप में खड़े हुए हैं, कुछ लोग ये इल्जाम लगाते हैं आप लोग कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते, नौकरी क्यों नहीं करते, इसका जवाब क्या आप जैसे बताएं? मैं बताना चाहूँगी, ये हमारी गुरुओं की पहले से ही पीड़ा चली हुई आई कि हिजड़े पहले गेहूँ अनाज वनाज मांग के खाते थे, और अब भी ये पीढ़ी से पीढ़ी चली हुई आई कि हिजड़े किन्नर जो है वो हम मांग के ही खाते हैं। आपको मालूम है दिल्ली में अभी चुनाव हुए थे, किन्नर खड़ी हुई थी चुनाव में? हाँ, वो जीती भी है बहुत बड़े वोट से, मालूम है? तो एक बात बताइए आप, कि अगर आपको नौकरी करने का मौका मिले तो आप करेंगे? हम लोगों के लिए करती है, लेकिन जो हमारे देश की जो जनता है ना, वो हम लोगों को समझती नहीं है। क्यों नहीं समझती? आप कोशिश करते हैं कि वो आपको समझे? हाँ, मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमें 10-5 रुपए जो दे के जाते हैं उससे हमारा दाल रूप। वो तो आप जाहिर चाहते पैसे ले रहे हो, उन्हें दुआएं भी दे रहे हो, आपकी दुआओं में असर भी है। लेकिन आप जैसे कुछ जैसे ऐसा होता होगा ना, आपको भी लगता होगा कि अच्छी से इज्जतदार एक नौकरी करें। हाँ, हमें मैं एक ग्रेजुएशन कंप्लीट है मेरी, मैं भी सरकार से ग्रेजुएशन कंप्लीट। हाँ, यही दरख्वास्त लगाती हूँ कि हमारे लिए हमें भी कुछ समझे, हमें कोई जॉब या करे जो हम इस रोड से, इस बंजर भरी जिंदगी से मुक्त होना चाहते हैं। ऐसे रहते कहाँ हैं आपका रिहायशी? मेरा रिहायशी है गीता कॉलोनी में। आप सब लोग अलग अलग है की जगह? नहीं, मैं गीता कॉलोनी है। अच्छा, आप दोनों गीता कॉलोनी में। तो यहाँ से कितने बजे तक आप वापस जाएंगी? हम 6-7 बजे तक जाती हैं। 6-7 बजे तक? हाँ। तो आप एक दूसरे को जानते हैं पुराने वक्त? जानते हैं। अच्छा, ये हमारा ग्रुप है, कोई नया भी मिलता है तो वो हमारी एक जान पहचान ही बन जाती है, क्योंकि हमारे तो रात में अक्सर ऐसा रहता होगा, शादी भी होती होंगी तो वहाँ जाना होता होगा। हाँ, गुरु के साथ जाते हैं। अच्छा, गुरु हैं आपके, है ना? हाँ। तो आप लोगों का कोई ऐसा कार्यक्रम होता है खास जिसके अंदर सब लोग एक जगह इकट्ठे होते होंगे, जिससे मेला? हाँ, हमारा मेला होता है, या हमारे बुजुर्गों की रोटियाँ जो होती हैं, खाना पीना जो होता है उसमें हम जाती हैं, जैसे कुंभ का मेला होता है, यूपी में होता है, और अभी दिलशाद गार्डन में हुआ था। आप इतना मुंह क्यों छुपा रही हैं, क्या वजह है? कुछ और बोलना चाहें जैसे आपके लिए, जैसे सरकार कुछ काम करे आपके लिए, या फिर ऐसा लगता है कि जनता हमारे लिए कुछ करे ऐसा?
आपको लगता हो कमी आपको सरकार को हमारे लिए करना चाहिए कुछ? अगर हम किन्नर हैं तो हमें एक कुछ इस तरह से रखना चाहिए कि हाँ ये किन्नर समाज है तो उनके लिए कोई ऐसे रेड लाइट पे मांगने की जरूरत ना पड़े। संस्था खोलनी चाहिए, डेवलपमेंट करना चाहिए। जो तो पढ़े लिखे हैं तो उनको पढ़े लिखे के हिसाब से काम देना चाहिए। पढ़े लिखे आपने कह रहे हैं गेशन है, आपकी बातों से लग भी रहा है, तो कौन कितना टाइम हो गया आपको गेशन करे? मैंने 2016 में की थी। एक और बात बताइए, बहुत ये जरूरी बात है, शायद आप इस बात को मेरी समझें कि आज के वक्त में किसी परिवार में जैसे तो किन्नर है, ये ऐसा तो है नहीं, खुद बनते हो लोग, पैदाइशी ऐसे ही होते हैं, तो परिवार में आज ऐसा लगता है कि उस बच्चे को बाहर भगा देते हैं, ऐसा क्यों है? आपने इस चीज़ को फेस करा हो कभी? हाँ फेस करा है, क्योंकि देखो सबकी अपनी अपनी इज्जत होती है, ठीक है, एक नर और नारी ही तो ऊपर ईश्वर का है ना, ईश्वर का है, मगर समाज नहीं समझ पाता। माँ बाप मम्मी समझ पाती है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक समझने वाली एक माँ होती है, बाकी तो सब फीलिंग के साथ खेलने वाले हो। अच्छा, तो ये जाहिर से आते खुद कुछ, और हम तो ये चाहते कि हमारे माँ बाप के अलावा हमें समाज को समझना चाहिए, समाज हमें समझे कि हम एक किन्नर हैं, समाज का एक हिस्सा है, ऐसे में सरकार आपको हिस्सा है, हमने अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, तो हम अपनी समाज में आए, हम किन्नरों में आए, ठीक है, और किन्नरों का वरदान यही होता है कि हाँ सब खुश रहें, मंगल रहें, और हमें भी समझे। सरकार लगातार एक थर्ड जेंडर का इन्हें एक दर्जा दे चुकी है, सरकार सम्मान के साथ इन्हें पुकारती है। मैं दुआ करता हूँ हमारे चैनल के माध्यम से कि आप लोगों के समाज की परेशानियाँ जल्द से जल्द दूर हो, इनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप आखिर में क्या कहना चाहोगी? अब भी मुँह छुपाए रहोगी? अब ये बहुत शर्मीली लग रही है। हाँ, ये बोलती थी। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये बड़े अच्छे अंदाज में इन्होंने हमसे बातचीत करी, बड़ी खुशी हुई, यही ज़रूरत है। अगर हम लोग इनसे बड़ी इज्जत से पेश आएंगे तो ये लोग हमारे साथ भी बहुत ही ज़्यादा इज्जत से पेश आएंगे, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। धन्यवाद, इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए झलको दिल्ली।